किलर कोरोना से अब तक दुनिया में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं लाखों लोग इस घातक बीमारी से संक्रमित हैं। हिंदुस्तान में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इटली और स्पेन तो कोरोना से और भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक बात सामने आ रही है कि कोरोना से कई नौजवान, स्वस्थ और फिट लोगों की भी मौत हो रही है। जानकारों की माने तो जब ये कहा गया कि कोरोना से बुजुर्गों को अधिक खतरा है, तो नौजवानों ने इसे गलत तरीके से समझा। कई देशों में युवाओं ने पाबंदियों को नहीं माना और वे लगातार पब्लिक गैदरिंग कर उनका हिस्सा बनते रहे। और अब कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें स्वस्थ नौजवानों की भी कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस से कुल हुई मौतों का विश्लेषण किया जाए तो उसमें बुजुर्गों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन कोरोना अब कम उम्र के लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में हॉस्पिटल में भर्ती किए गए 500 मरीजों में 20% यानी कि करीब 100 लोग 20 से 44 साल की उम्र के थे। कोरोना को लेकर आईसीयू में भर्ती होने वाले हर 10 में से एक व्यक्ति भी नौजवान होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर किसी को खतरा है। हर बार जब व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसका संघर्ष शुरू होता है। आप ये नहीं कह सकते कि कौन जीत जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि कोरोना बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन नौजवानों में कोरोना के बढ़ते मामले वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं।